Good morning, dear student. I am Rakesh Kumar, and today I am standing here to deliver the new lesson, which is lesson number 9, and the name of lesson is The Temperate Grasslands. Today I delivered lecture number 1, and now let's start the topic grassland. The grasslands are the largest green pasture on earth. Grassland, आज हम लोग आज इस चैप्टर में grassland के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, ठीक है? तो सबसे पहले grassland क्या होता है ये जान लीजिए, और फिर इसका location, यानी अर्थ पर grassland कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ठीक है? तो grassland क्या होता है? तो grassland, the grasslands are the largest green pasture on earth. Pasture का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चारागाह, जहाँ जानवरों को चराया जाता है, ठीक है? कैटल जहाँ चरते हैं, यानी उनकी उनका जो फीडिंग होता है, ठीक है? तो इसको पास्चूर बोलते हैं या चारागाह, ठीक है? इट इज द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रिएचर्स, बट इस ग्रासलैंड में सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल ही नहीं मिलते, यहाँ वाइल्ड एनिमल यानी कार्निवोरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि कार्निवोरस वो डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, तो हर्बीवोरस के ऊपर, और हर्बीवोरस के लिए एनिमल के लिए यह प्लेस जो है वह बहुत ही फेवरेबल कंडीशन रखता है, ठीक है? ओके, नाउ लोकेशन, नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग इसका लोकेशन को देखेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड अर्थ के किस पार्ट में और कहां हमें मिलेगा या दिखेगा। सो स्टूडेंट, इट इज इक्वेटर 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ लोकेशन में बता रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे, तो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के दोनों साइड हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, और वह कहाँ होगा, तो अबाउट 40 डिग्री टू 55 डिग्री, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल रीजन को देखें, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, उसके बाद फिर हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा जो कि 15 डिग्री टू 30 डिग्री था। अब हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड में आ गए हैं, है ना? टेम्परेट ग्रासलैंड वह 40 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री। सो स्टूडेंट, लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर 40 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ, एंड इन साउदर्न हेमिस्फेयर इट इज 40 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों ही हेमिस्फेयर में आप ग्रासलैंड्स को देख रहे हैं, ठीक है? ग्रासलैंड, जैसा कि नेम ही है ग्रासलैंड, तो यहाँ पे ट्री रेयर ही देखने को मिलता है, ट्री नहीं मिलता, ठीक है? ट्री के लिए फेवरेबल क्लाइमेट और रेनफॉल ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन एरियाज में ट्री हमें नहीं मिलता है, रेयर कहीं एकाक मिल जाए तो वो अलग, ठीक है? तो ये ग्रासलैंड्स हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑक्यूपाई अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन अर्थ, ये इस टोटल लैंड एरिया का यह 20% ऑक्यूपाई करता है, कौन? टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है? ग्रासलैंड्स आर नोन बाय वेयरिंग नेम इन द वर्ल्ड सच एज, अब इस ग्रासलैंड का, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंटिनेंट में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप के बोलते हैं, है ना? ठीक उसी तरह से, क्योंकि हम लोगों का लैंग्वेज जो है वह डिफरेंट है, इसलिए इस ग्रासलैंड्स के नेम भी डिफरेंट डिफरेंट हैं वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में, ठीक है? जैसे सच एज प्लेन्स
प्लेन्स एंड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के जो पास्चर होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, उनको प्लेन्स या फिर प्रेरीज के नेम से जाना जाता है. ओके. पंपास इन साउथ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, जो साउथ अमेरिका है वहाँ पंपास बोला जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेपी इन यूरेशिया और रसिया. रसिया या फिर यूरेशिया के का जो पार्ट होता है, यानी एशिया का जो, एशिया और यूरोप का जो पार्ट है, वहाँ स्टेपी के नेम से जाना जाता है. ठीक. वेल्स इन साउथ अफ्रीका. ओनली साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वेल्स के नेम से जाना जाता है. ठीक है. साउथ अफ्रीका में वेल्स के नेम से जाना जाता है. बट होल अफ्रीका में इस ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? सवाना. ओके. सवाना. एंड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज नोन एज डाउन्स. ऑस्ट्रेलिया में किस नेम से जानते हैं? डाउन्स के नेम से ग्रासलैंड को जानते हैं. तो मैंने यहाँ लोकेशन बताया. ठीक है. और किस किस कंटिनेंट में किस नेम से जाना जाता है, ये ग्रासलैंड डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उसको मैंने बताया. अब मैं आपको वर्ल्ड के मैप पर ग्रासलैंड को दिखाता हूँ. स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्ल्ड का एक मैप है, जो कि फिजिकल तो नहीं बट पॉलिटिकल मैप है. नॉर्थ अमेरिका, इसको हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट कहते हैं. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आप जो ये देख रहे हैं, यूएसए और अलास्का. अलास्का यूएसए का ही पार्ट है. ठीक है. तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, इस एरिया में, ठीक है, इसको प्रेरीज और प्लेन के नेम से जानते हैं, ग्रासलैंड्स को. ठीक. साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पंपास. होल अफ्रीका में सवाना. बट इन साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, ठीक है, होल अफ्रीका में सवाना के नेम से जाना जाता है. बट इन साउथ अफ्रीका इट इज नोन एज वेल. ओके. एंड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज नोन एज डाउन्स. इन एशिया और यूरेशिया इट इज नोन एज स्टेपी. ओके. गुड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड इट विल बी आई डिलीवर्ड इन लेक्चर नंबर 2. ओके. थैंक यू.